इन चेहरों पर मासूमियत और खौफ की लहर, पांव से निकलता खून, फर्श पर लगे खून के धब्बे, जुल्म की इंतहा, 10 से 15 गुंडों के हमरा मलिक रियाज की बेटी जल्लाद बन गई। ये मेरा सरकारी बयान है, बराए मेहरबानी मेरे इंसाफ की जद्दोजहद में इश्तराक करें और मेरी मदद करें। पिछले 3 दिन से मुझे शर्मिंदा, ब्लैकमेल, हरासा किया गया है, जान से मारने की धमकी भी दी गई है। मुझे लगता है मेरे पास अब हारने के लिए कुछ भी नहीं है और मैंने पाकिस्तान के मजबूत तरीन अवाम से लड़ने का फैसला किया है। मैं यतीम हूँ, लिहाजा आप मेरे वालदैन को कत्ल नहीं कर सकते। ज़्यादा से ज़्यादा तुम कर क्या सकते हो, मुझे मार डालोगे। चूँकि आपने वैसे भी पूरी दुनिया के सामने मुझे शर्मिंदा किया है, चूँकि मैं एक औरत हूँ और जाहिर है कि इसका सबसे ज़्यादा कमज़ोर और आसान निशाना हूँ, लेकिन इस वक्त तक मैं अपने खून के आखिरी कतरे तक लड़ूंगी। मैं पंजाब पुलिस से दरख्वास्त करती हूँ कि वो हमारे ज़ख्मों पर मरहम होने से कबल अपनी FIR दर्ज करवाएं और मेरे और मेरी बहनों का तिब्बी मुआयना मेरा बुनियादी हक है। इस मुल्क में कब तक जुल्म की इंतहा चलती आएगी, मजलूम जुल्म कब तक सहेगा। मैं उतनी ही पाकिस्तान की शहरी हूँ जितना मलिक रियाज़।